नालंदा जिला जनता दल यूनाइटेड के द्वारा शनिवार को बिहार शरीफ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वजह से ही बिहार में जाति आधारित गणना सफलतापूर्वक कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में तमाम जगहों पर घूम घूम कर अपने भाषणों के दौरान जातीय आधारित गणना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में RJD को मिली 23 सीटों में से पार्टी ने अति पिछड़ा समुदाय को महज 2 सीटें देकर उनके साथ ये कैसा सामाजिक न्याय किया है। वहीं इस दौरान जिला जदयू प्रवक्ता धनंजय देव ने कहा कि नालंदा में जदयू का कोई मुकाबला नहीं है, अगर किसी से मुकाबला होता तो विपक्षियों को कैंडिडेट दूसरे जिला से खोज कर नहीं लाना पड़ता। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कर्म भूमि और जन्म भूमि है, यहां से कौशलेंद्र कुमार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जब बाहर से हवा हवाई कैंडिडेट चुनाव में आएंगे तो महागठबंधन की सहयोगी पार्टियों को नाराजगी जरूर होगी। हमारा राष्ट्रीय जनता दल के से हमारा सवाल है, अति पिछड़ों पर जो मेहरबानी जता रहे हैं उसी पर हमारा सवाल है। उनको 23 सीटें इंडी अलायंस में उनको मिली और 23 सीटों में उन्होंने मात्र 2 सीट अति पिछड़ों को दिया। ये अति पिछड़ों के साथ न्याय है या उनका अपमान है, ये मेरा सवाल है कि 23 सीट में अति पिछड़ों के मसीहा अपने आप को कहलाते हैं और मात्र 2 सीट देते हैं। दूसरा सवाल है कि स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के नेता थे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी उनके आदर्शों पर चलते हुए 2005 में जब सरकार बनी तब से अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, अति पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाया, त्रिस्तरीय पंचायत में उनको आरक्षण दिया सभी जगहों पर। और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो पिछले चुनाव में भी पार्लियामेंट में भी इस बार भी हम लोगों ने 25% अपने 16 सीटों में 25% उनको मान सम्मान देने का काम किया है। तो आज से पिछड़ों का मसीहा हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी यादव जी जो सभी जगह भाषण में कहते चल रहे हैं कि हमने जातीय गणना हमारे बलबूते पर हुआ, तो एक महाअभियान हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने छेड़ा था जातीय गणना पर। चाहे सर्वदलीय बैठक हो, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराना हो, हर तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको अथक प्रयास से एक महाअभियान छेड़कर एक सफलतापूर्वक जातीय जनगणना कराने का काम किया। JDU का मुकाबला नालंदा में कुछ है ही नहीं। अगर मुकाबला रहता तो कैंडिडेट को दूसरे जिला से खोज के लाना नहीं पड़ता और नालंदा के तो लोग तैयार हैं। जिस तरह विपक्ष में रहते हुए RJD के लोग और भी कई दल के लोग पूछते थे कि सब काम नालंदे में हुआ है, तो उन लोग से तो पूछा जाएगा कि भाई सब काम नालंदा में हुआ है तो आप लोग नालंदा क्यों आ रहे हैं, आप लोग बाहर जाइए। तो यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, ये नेता नीतीश कुमार जी की जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि है और कौशलेंद्र कुमार जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव यहाँ जीतेंगे, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। बिल्कुल नाराजगी तो रहेगा ही, जब हवा हवाई कैंडिडेट CPI के चले आएंगे तो नाराजगी सहयोगी दल के होते ही हैं, RJD में भी नाराजगी है, तो ये महागठबंधन का मामला है, उन लोग विशेष रूप से बताएंगे। कि अति पिछड़ा का प्रति आपका जो है प्रेम है या एक दिखावा है, वोट लेने का समय जो है आप जो है अति पिछड़ा जो है करते हैं और जब टिकट का बात आता है भागीदारी देने का बात आता है तो आप जो है उनको महज। और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ RJD वाला लोग को कि बताइए कि आप अति पिछड़ा का बारे में जो बोलते हैं कि मेरा अति पिछड़ा है तो आप टिकट देने में क्यों पीछे रहते हैं, भागीदारी देने में 5 सीट दिया है अति पिछड़ा समाज को, जनता दल यूनाइटेड 16 में 5 जो है अति पिछड़ा को टिकट देकर, इस बार जो है हम लोग जो है 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज नेता नीतीश कुमार के साथ है, मुस्तैदी से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा।